हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले लेक्चर में हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाके वो लेक्चर देख सकते हो। ये वाले लेक्चर में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट समेशन के इक्वल टू 1 टू 11 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 रेस टू के। तो हमें क्या करना है कि के की वैल्यू 1 लिखो तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 रेस टू 1। के इक्वल टू 2 लिखो तो मिलेगा 2 प्लस 3 रेस टू 2। वैसे ही के इक्वल टू 11 तक रखना है और वो सारे टर्म का हमें सम करना है। तो वो हम किस प्रकार से करते हैं वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया कि k इक्वल टू 1 टू 11 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 रेस टू k। तो क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया तो समेशन अंदर जाएगा। किस प्रकार से, k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू 11 3 रेस टू k। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा और समेशन k इक्वल टू 1 टू 11 यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 1 1 ऐसा कितनी बार है, टोटल 11 टाइम्स। तो हमें क्या मिलेगा, 11। तो 2 टाइम्स 11 प्लस ये 3 रेस टू के है वो किस प्रकार से है, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेस टू क्यूब अप टू 3 रेस टू 11। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो सीरीज है क्या, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 3 अप टू 3 रेस टू 11, वो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको दिख रही है। तो सबसे पहले हम इतने पार्ट सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो वहां पे a इक्वल टू 3 है, फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन रेशियो कितना होगा, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 यानी 3 है। तो कंसीडर 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 रेस टू 11 इज इक्वल टू क्या आएगा, जो Sn का फॉर्मूला था वहां पे a की जगह पे 3 और r की जगह पर भी 3 लिखना है। तो क्या मिला, 3 इंटू आर रेस टू 11 था उसकी जगह पे 3 रेस टू 11 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 की जगह पे 3 माइनस 1। अब सिंपल से आपको इसको कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, 3 बाई 2 इंटू 3 रेस टू 11 माइनस 1। अब ये जो हमें ओरिजिनल किसका सम फाइंड करना था, ये वाली सीरीज हमें सोल्व करनी थी। यहाँ पे इतने पार्ट का आंसर हमें मिला 3 बाय 2 इंटू 3 रेस टू 11 माइनस 1। तो हमें यहाँ पे इतने पार्ट में ये वैल्यू रख देनी है। तो हमें लास्ट आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 प्लस ये पूरा टर्म एज इट इज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसी सीरीज दे कि k इक्वल टू 1 से लेके 10, 12 या कोई भी नंबर हो तो वो सीरीज किस प्रकार से हम इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, यानी एक जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस दी गई है, उसके फर्स्ट थ्री टर्म का सम करते हो तो उसकी वैल्यू आ रही है 39 डिवाइड बाय 10 और वो तीन टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करो तो उसकी वैल्यू मिल रही है 1। देन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो ढूंढना है और उस वो थ्री टर्म्स कौन से हो गए वो हमें ढूंढना है। तो लेट a बाय r, a एंड ar बी द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। हमने क्या सपोज किया, a बाय r कोमा a कोमा ar। आप इसकी जगह पर कोई और भी सपोज कर सकते हैं कि a ar और ar स्क्वायर, लेकिन वो तरीके से जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने तीन जो टर्म लिए वो कैसे लिए, a बाय r कोमा a कोमा ar। ये सभी का आप कॉमन रेशियो देखो तो उसका जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू मिल रही है r। तो अब हमें क्या करना है, ये थ्री टर्म का सम करना है, उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 39 डिवाइड बाई 10। तो a बाय r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 10।
और ये तीनों का मल्टीप्लाई करो तो हमें वैल्यू मिल रही है 1। तो यहाँ से ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। कैसे, ये आर और ये आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 1, और उसके ऊपर से हमें मिला ए इक्वल टू 1। तो उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। और हम आर का एलसीएम ले और हम यहाँ पे दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 39/10 इंटू आर। और उसको हम सोल्व करने की ट्राई करें तो हमें मिलेगा 5R-2 × 2R-5 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज आर इक्वल टू 2/5 होगा या फिर आर इक्वल टू 5/2 मिलेगा। तो हमें कॉमन रेशियो मिल गए। अब आपको क्या करना है, वो थ्री टर्म ढूंढने हैं। हमें ए की वैल्यू 1 मिल गई, आर की वैल्यू 2/5 या फिर आप 5/2, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और उसके ऊपर से हमें ये थ्री टर्म ढूंढने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ए बाय आर, ए एंड ए आर तीनों की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो ए बाय आर क्या होगा, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले और आर की वैल्यू 2/5 ले तो हमें मिलेगा 5/2, 1, 2/5। और अगर हम ए की वैल्यू 1 ले एंड आर की वैल्यू 5/2 ले तो हमें मिलेगा 2/5, 1, 5/2। अगर आपको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म की जगह सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म पूछते तो भी आपको वही करना है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक टर्म बढ़ाना है क्या ए आर स्क्वेयर, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1/r² एक टर्म बढ़ाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, बीच में ए लिखा, उसके राइट हैंड साइड पे आर मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर आर से डिवाइड किया। अगर इसके बाद और एक टर्म होता तो वहां पे आर से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, ए आर स्क्वेयर आता, और आर से डिवाइड करता तो क्या आता, ए अपॉन आर स्क्वेयर। तो उसी प्रकार से अगर आपको फर्स्ट 3, 5 या 7 टर्म पूछते हैं तो वही प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये टर्म हम सपोज करते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। यानी पहले तीन टर्म जो हो गए उसका सम 16 है, उसके बाद वाले जो थ्री टर्म हो गए उसका सम आपको 128 है ऐसा दिया गया है। डिटरमिन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम टू एन टर्म ऑफ जीपी। आपको क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन रेशियो यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी एस एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट थ्री टर्म का सम 16 है और उसके बाद वाले थ्री टर्म का सम 128 है। तो सबसे पहले हम एक जीपी लेते हैं, हमारी कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी वो किस फॉर्म में दिखेगी, ए वाले फॉर्म में। पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, वैसे ही आगे जाएगा। तो हमें क्या बोला है, फर्स्ट थ्री टर्म का सम 16 है, तो फर्स्ट थ्री टर्म कौन से हो गए, a, ar, ar²। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसके ऊपर से a + ar + ar² इज इक्वल टू 16 मिला, एंड उसके बाद वाले थ्री टर्म यानी ar³, ar⁴ एंड ar⁵ हमें मिलेगा 128। अब सिंपल से आपको फर्स्ट वाले ये जो 16 वाला इक्वेशन है उसमें से वो a कॉमन लेना है, दूसरा वाला जो है उसमें से ar³ कॉमन आ रहा है तो ar³ कॉमन लेना है, तो हमें ये जो दो इक्वेशन मिल जाएंगे। अब सिंपल से आपको क्या करना है, ए एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है ये दो इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर जो है वही वैल्यू यहाँ पर भी है, ब्रैकेट में सेम है,
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग टू बाय वन तो हमें क्या मिलेगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर ये वाला इक्वेशन है तो ऊपर आर क्यूब बचेगा और ये ए भी कैंसिल हो जाएगा दोनों ऊपर नीचे। तो हमें मिला आर क्यूब इज इक्वल टू 8, उसके ऊपर से मिला आर इज इक्वल टू 2। और आर इक्वल टू 2 की वैल्यू हम ये फर्स्ट वाले के इक्वेशन में रख दें तो हमें मिलेगा ए इंटू आर की जगह पर 2 लिखना है तो 1 प्लस 2 प्लस 4 हमें मिलेगा। तो उसके ऊपर से हमें ए की वैल्यू मिलेगी 16/7। तो अब हमें आर की वैल्यू मिल गई 2, आर की और ए की वैल्यू मिल गई 16/7। तो अब हमें क्या करना है, ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी हमें एस एन ढूंढना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ए की जगह पर मैंने लिखा 16/7 और आर की जगह पे 2 लिखा, तो हमें आंसर मिला 16/7 इंटू 2 रेस टू एन माइनस 1। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और बनाकर भी पूछ सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म या फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म आपको दिए गए हैं, तो तब आप वो तरीके से नहीं कर सकते, यहाँ पर मैंने जिस तरीके से किया है। तो तब आप वो एस एन का जो फॉर्मूला है क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, उसका यूज करके आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप वो टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ जीपी फोर विद सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज माइनस 4 एंड 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। यहाँ पे हमें क्या करना है, जीपी ढूंढनी है। यहाँ पे एक बात समझ लो कि जीपी ढूंढना उसका मीनिंग क्या हुआ, हमें ए एंड आर की वैल्यू चाहिए। अगर आपको मैं ए एंड आर की वैल्यू दे दू तो उसके ऊपर से कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जियोमेट्रिक सिक्वेंस बना लेगा। तो एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, ए एंड आर की वैल्यू, और उसके लिए हमें कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज माइनस 4 एंड जो 5th नंबर का टर्म है वो 4 टाइम्स है द 3rd टर्म। लेट रिक्वायर्ड जीपी इज ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वेयर, उस टाइप से हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा 1st नंबर का टर्म है, वैसे ही ए आर जो है वो हमारा 2nd नंबर का टर्म है, 3 है जो ए आर स्क्वेयर है वो हमारा 3rd नंबर का टर्म है। तो हमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज माइनस 4 है। तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म कौन से है, ए एंड ए आर। उसके बाद हमें बोला है 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। यहाँ पे 5th नंबर का टर्म कौन सा होगा, ए आर रेस टू 4 एंड 3rd नंबर का टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वेयर। तो हमें दिया क्या गया है कि 5th टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू 3rd टर्म्स। तो यहाँ पे हमने 5th टर्म की वैल्यू क्या मिली, ए आर रेस टू 4 मिली, वो यहाँ पे रखी, और 3rd टर्म की वैल्यू है ए आर स्क्वेयर, वो यहाँ पे हमने रख दी। तो हमें क्या मिला, ए आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए आर स्क्वेयर। अब हमें पता है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस में ए एंड आर की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो हम दोनों साइड से कैंसिल कर पाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज आर इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू माइनस 2। तो अगर आप आर इक्वल टू 2 रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस आर की जगह पे आपको 2 लिखना है, तो क्या मिला, ए प्लस 2 ए इज इक्वल टू माइनस 4 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो ए की वैल्यू 2 मिली हमें, तो आर इज इक्वल टू 2 है तब हमें ए की वैल्यू माइनस 4/3 मिली। तो उसके करस्पोंडेंस जो हमें जीपी मिलेगी वो किस प्रकार से होगी, माइनस 4/3
उसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो -8/3, उसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो -16/3, वो इस प्रकार से आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी जो हमें ढूंढना था। अगर आर की वैल्यू -2 है तो ये वाले इक्वेशन में आपको आर की वैल्यू -2 लिखनी है, तो क्या मिलेगा, ए -2a इज इक्वल टू -4 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 4। तो जब आर की वैल्यू -2 होगी तब ए की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो उसके करस्पोंडेंस जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, पहला टर्म आएगा 4, उसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो -8 मिलेगा, उसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो -16 मिलेगा, उसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो -32 आपको मिलेगा। वैसे ही आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें जीपी बनाने का पूछा, सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन था जो इसके आगे हमने देखा उसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म पूछा गया था, तो यहाँ पर भी आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म पूछा जा सकता है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला यूज करना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए आपको एक्चुअली करना क्या होता है, ए एंड आर की वैल्यू ढूंढनी होती है। ए एंड आर की वैल्यू मिल जाए उसके ऊपर से आप आसानी से कोई भी चीज आपको पूछी हो, चाहे उसका सम पूछा हो, कोई भी नंबर का टर्म पूछा हो, या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछा हो, वो आप आसानी से निकल पाओगे। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर से आपको सबसे पहले ए एंड आर की वैल्यू ढूंढनी है, और उसके ऊपर से आपको जो भी पूछा गया है वो आसानी से फाइंड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।